नमस्कार दोस्तों, आज की ये टेक्निकल वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपके डेली बेस लाइफ में यूज होने वाली वीडियो है। जब भी हम नया लैपटॉप लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं या मेरे पास पहले से पड़ा हुआ कंप्यूटर है, हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है पार्टीशन रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके साथ की मेरी पहले भी वीडियो आई थी, कुछ उसमें दिक्कत थी। इस वीडियो में मैंने उस दिक्कत का सलूशन भी बताया है और उसके साथ दो चीजें और भी ऐड की हैं। जब भी हम विंडो करते हैं, हमसे पार्टीशंस में गलती हो जाती है। कई बार बेसिक टू डायनामिक एंड डायनामिक टू बेसिक कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार क्या होता है, गलती से हमसे 500 GB की पार्टीशन क्रिएट हो जाती है। विंडोज की ड्राइव में डाटा रखना अनसिक्योर माना जाता है, क्योंकि कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करप्ट हो गया है तो फिर हम उस कहीं दूसरे इंजीनियर या आप खुद ही गलती से उसे फॉर्मेट कर देते हैं तो डाटा डिलीट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पार्टीशन को एक्सटेंड और ज्वाइंट करना दोनों बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि पार्टीशन अगर कम बन गई है तो ज्यादा कैसे करनी है, ज्यादा हो गई है तो कम कैसे करनी है, उनको जॉइंट्स कैसे करना है विदाउट डाटा लॉस। सबसे बड़ी बात है कि आपका डाटा लॉस नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी ये स्टेप आप उठाइए। तो मैं आपका दोस्त राजेश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चिप गाइड कंप्यूटर पे। टाइम ना वेस्ट करते हुए पार्टीशन कैसे जनरेट एंड रीजनरेट और ज्वाइंट और श्रिंक एक्सटेंड कैसे होती है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमें पार्टीशंस करनी है तो हमें उसकी मैनेज सेटिंग्स में जाना पड़ता है। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये मेरा माई कंप्यूटर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक ही हार्ड ड्राइव है जो इकट्ठी शो कर रहा है, जबकि मेरे पास इसमें दो हार्ड ड्राइव्स लगी हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो दूसरी हार्ड ड्राइव लगी उसकी पार्टीशंस कैसे बनेगी और दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने माई कंप्यूटर यानी जो आपका दिस पीसी होता है वहाँ पे जाना है, एक राइट क्लिक करना है और मैनेज पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये कुछ डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब आपने क्या करना है, मैनेज डिस्क मैनेजमेंट पर हमने क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक किया है और देन मेरे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि मेरे पास एक डिस्क जीरो है जो बेसिक लिखा हुआ है और 111.77 यानी 111.77 GB एक हार्ड डिस्क लगी है, जिसमें मेरे पास एक 100 MB शो कर रहा है आपके पास यहाँ पर, देन एक आपके पास यहाँ पे ये शो कर रहा है और एक ही 505 है। इस पर एक में लिखा है कि हमारे सिस्टम पार्टीशंस है, देन ये आपके फाइल्स यहाँ पे है और ये 500 रिकवरी पार्टीशंस है। तो जो आपको पार्टीशन वहाँ पे दिख रही है वो यही है और ये 120 GB SSD लगी हुई है। अब यहाँ पे अपने फ्रेंड्स क्या करना है कि अगर मुझे इसी पार्टीशन को यानी लाइक आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पार्टीशंस मुझे दिख रही है ये इसमें 77.4 GB आपको फ्री मिली है। लाइक आपका ज़्यादा वर्क नहीं है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस पार्टीशंस की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, इसी में से मैं 30 GB या 40 GB अलग कर लूँ, तो ये कैसे करेंगे हम। आपने ना इसको छेड़ना है ना इसको छेड़ना है, आपने इस वाली पार्टीशन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास देखो लिखा हुआ है फ्रेंड्स श्रिंक वैल्यूम। तो श्रिंक वैल्यूम क्या करेगा, आपकी जो फ्री स्पेस है उसको कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो आपने वैसे वहीं पे देख लिया था कि 77 GB था, तो मैंने श्रिंक वैल्यूम किया, इसने कैलकुलेशन कर ली और एडिशनल 2 या 3 GB ये पहले से ही एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए आपकी स्पेस को रखेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 79202 MB यानी लगभग 76 GB के करीब ये हमें स्पेस दे रहा है। अभी इसमें से मुझे चाहिए कि मैंने 20 GB विंडो वाली ही पार्टीशन में यूज़ करना है और 50 GB या मुझे 40 GB मुझे अलग से चाहिए। तो 40 GB मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो यानी वो जो मेरी 111 GB की पार्टीशन थी उसमें से 40 GB मैंने अलग कर लिया। बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। देन आपने यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम कर देना है। देन फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखो कि जो आपकी ये पार्टीशंस है, अब यहाँ पे जो आपके पास पहले 77 GB फ्री था अब 36 GB यानी इसमें से वो जो हार्ड डिस्क की पार्टीशंस हैं वो कट के दूसरी जगह पे चली गई है, बट यहाँ पे शोध नहीं कर रही है। अब हम वहीं पे जाएंगे, आपके पास यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 41 GB अनलोकेटेड स्पेस, तो राइट क्लिक करना है आपने,
न्यू वॉल्यूम, देन नेक्स्ट, एंड आपने यहाँ पे जो पूरी यूज़ करनी है, अगर आप इसे भी दो हिस्सों में करना चाहते हैं तो आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इकट्ठे चाहिए मुझे, नेक्स्ट, देन इसका मान डी रख दिया आपने। अगर ई एफ जी बनाना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, देन नेक्स्ट, एंड आपने इसका नाम दे दिया, लाइक मैंने वाल गेम्स रख दिया, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। पार्टीशन फॉर्मेट हो गई है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सेकंड पार्टीशंस आ गई है। अब यहाँ पे क्या आता है कि मैं इस पार्टीशन को दोबारा, लाइक आप चाहते हो कि मेरे पास डाटा ज़्यादा नहीं है और मैं सी में ही रखना चाहता हूँ, या मैंने एडिशनल हार्ड ड्राइव है उसकी पार्टीशंस हैं तो इसको मैं इकट्ठे करना चाहता हूँ, तो पहले मैं आपको दूसरी पार्टीशंस बना के दिखा देता हूँ और फिर इस हार्ड डिस्क को वापस जैसे ये पहले इकट्ठे 111 GB की वन सिंगल पार्टीशन से उसे भी बनाते हैं। तो अभी मेरे पास आप देखो कि यहाँ पे ये पहले सिंगल थी, अभी ये डबल हो चुकी है। अब आती मेरे पास ये वाली पार्टीशंस, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा बेसिक डिस्क 298, यानी इसमें 320 GB की एक एडिशनल हार्ड ड्राइव मैंने लगाई है। ये मेरी SSD लगी हुई है और ये मेरी स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव है। तो अब मुझे इसको भी पार्टीशनाइज करना है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखना कि पार्टीशंस करने से पहले आपका डाटा, अगर आपके पास पार्टीशंस हैं या अगर आपने फ्रेश हार्ड डिस्क ली है तो कोई इशू नहीं बनता कि आपका डाटा होगा, बट अगर इन केस आपके पास डाटा है तो आप वो डाटा, अगर दूसरी हार्ड ड्राइव है आपके पास एडिशनल, या कोई पेन ड्राइव है, या सी में आपके पास स्पेस पड़ी हुई है, तभी आप उस पार्टीशंस को डिलीट कीजिए या क्रिएट कीजिए। क्योंकि अगर आपका डाटा है तो अगर आपने बिना कुछ किए डाटा पार्टीशंस को तोड़ दिया है या रिक्रिएट किया है तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो पार्टीशंस डिलीट या फॉर्मेट करने से पहले आप एक बार या बैकअप अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार थोड़ी सी गलती हो जाती है तो आपसे, आपने किसी और ड्राइव को डिलीट करना था, गलती से कुछ और हो गया, तो डिलीट करने से पहले उनका जो आइडेंटिफिकेशन नेम, यानी डी ड्राइव है या ई ड्राइव है या सी ड्राइव है, या आपने उनमें कुछ कैप्शंस दिया है या लेबल लगाया है, जैसे मैंने उसमें वाल गेम्स लिख दिया था, तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया है कि वो कौन सी पार्टीशन है। तो अपना जिस पार्टीशंस को फॉर्मेट करना है या आपने क्रिएट करना है तो उस पार्टीशंस में डाटा आप पहले से बैकअप ले लेंगे, तभी आप इन चीज़ों को छेड़िए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू सिंपल वॉल्यूम करना है। तो जैसे मैंने नेक्स्ट किया, आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आया है और इस डायलॉग बॉक्स में लिखा है कि 305243, यानी क्या ये पार्टीशन आप इकट्ठे बनाना चाहते हैं। तो मैं यह चाहता हूँ कि मुझे 80 GB की पार्टीशन चाहिए, तो लाइक मैंने 80,000 के करीब लिख दिया। अगर प्रॉपरली 80 चाहिए तो आप 82 लिख देंगे, या आपको अगर कम ज़्यादा करनी है तो आप 80 भी लिख सकते हैं, 78 भी लिख सकते हैं, एज पर चॉइस। देन नेक्स्ट नेक्स्ट, लाइक मैंने इसका नाम लिखा डेटा वन, देन नेक्स्ट फिनिश। आप यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे कि एक ई ड्राइव की पार्टीशन बन गई और डेटा वन नाम से पार्टीशन क्रिएट हो गया। अभी 219 GB आपके पास फिर है। राइट क्लिक किया, न्यू, मैंने इस पर भी क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इसको 100 GB के करीब बना दिया। देन नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने इसका नेम दिया डेटा टू, देन नेक्स्ट फिनिश एंड राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड मुझे ये इकट्ठी चाहिए तो नेक्स्ट, मैंने इसका नेम दिया डेटा थ्री। ओके ओके, तो फ्रेंड्स मैंने तीन पार्टीशंस और, यानी टोटल अब तीन मेरी नीचे वाली हार्ड ड्राइव की थी और एक ऊपर की बन गई। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास ये मेरी जो SSD लगी थी ये उसके साथ की पार्टीशंस है, और ये डेटा वन, डेटा टू एंड डेटा थ्री, ये मेरी 320 हार्ड ड्राइव की पार्टीशंस है। ये वाली जो वॉल गेम मैंने की है, वापस मुझे इसी में 1 GB, यानी जो मेरी 120 GB थी, ये दोनों उसी में से मैंने इसे दो हिस्से में कन्वर्ट कर दिया था, तो वापस मुझे उसी में जॉइंट करना है। और जबकि मुझे विंडो नहीं डिलीट करनी है, तो बिना डाटा लॉस किए हम क्या करेंगे, अपने इसमें से अगर कोई डाटा रखा हुआ है तो आप इसमें किसी भी ड्राइव में उसको ट्रांसफ़र कीजिए। अब जॉइंट कैसे करेंगे, राइट क्लिक,
देन आपने इसे डिलीट वाले को देना है और यस कर देना है। तो आप देखेंगे डिलीट हो गया। अब अपने फर्स्ट पार्टीशन पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और इसे एक्सटेंड वॉल्यूम कर देना है। पहले हमने श्रिंक किया था, जब पार्टीशंस में से हार्ड ड्राइव में से कुछ हिस्सा हमने निकालना है, अब जॉइंट करना है तो हम एक्सटेंड वॉल्यूम करेंगे। नेक्स्ट, देन आपके पास ये है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। आप देखेंगे कि ये जॉइंट होके इकट्ठे हो गई है और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए वापस 77.3 GB आपकी जो पार्टीशंस है वो आपके यहाँ पर आ गई है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पार्टीशंस को हमने बनाना या डिलीट कैसे करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी और भी चैनल पे बहुत सी टेक्निकल वीडियोस हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।